मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना काल के बाद फिल्मों की दुनिया में रंग चढ़ने लगा है। साल 2022 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि साउथ सिनेमा के लिए भी बेहद शानदार साबित होता दिख रहा है। हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा में देखे कई अच्छी फिल्में देखने को मिली। हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की रिलीज हुई टॉप 5 हाईएस्ट ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में उठापटक मचा डाली है। जी हां, जिसके बाद ऋतिक रोशन, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों की फिल्में भी काफी पीछे छूट गई है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में सुपरस्टार रामचरण जूनियर NTR की फिल्म RRR भी शामिल नहीं हो पाई। ऑल टाइम टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में इस लिस्ट में कन्नड़ सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म KGF 2 से खलबली मचा दी है। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को पछाड़ते हुए यश की KGF 2 इस लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गई है। तो देखिए ना, इस फिल्म ने पहले दिन बम्पर ओपनिंग करते हुए अकेले हिंदी बॉक्स ऑफिस से 53 करोड़ 95 लाख रुपए जुटाए हैं और इसी के साथ ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर दूसरे नंबर पर खिसक गई है। तो इस फिल्म में देखिए पहले ही दिन 51 करोड़ 60 लाख रुपए का कारोबार किया था और इस लिस्ट में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर खिसक गई है। अब फिल्म ने देखिए पहले ही दिन 50 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया था तो वहीं शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इस फिल्म ने देखिए पहले ही दिन 44 करोड़ 97 लाख रुपए का बम्पर कारोबार किया था और इसके अलावा इस लिस्ट में देखे पांचवें नंबर पर सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत है। भारत ने बॉक्स ऑफिस में पहले ही दिन 42 करोड़ 30 लाख रुपए जुटाए थे। तो कहना गलत नहीं होगा कि एक कन्नड़ फिल्म ने बॉलीवुड की सबसे बड़े सितारों को मात दे दी है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और खान ओपनिंग डे पर ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले सबसे आगे थे, लेकिन अब यश की KGF चैप्टर 2 ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर बॉलीवुड की धज्जिया उड़ा दी है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कौन से बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करती है। वैसे आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।